हेलो अभी वन वैलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल पिहन रुद्रव कॉर्नर आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास वन के बच्चों के लिए मैथ्स वर्कशीट इससे पहले मैंने इंग्लिश और ईवीएस की वर्कशीट्स आपके साथ शेयर की थी अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो वो भी जाके जरूर देख लें ये सारी वर्कशीट बच्चों के एनुअल एग्जामिनेशनस के लिए काफ़ी होने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यर राइट इन फिगर्स यहाँ पर बच्चों को फिगर्स में लिखना है जैसे कि नंबर दिया है फिफ़्टी थ्री तो बच्चों को इस तरह से स्पेलिंग्स दी जाती हैं और इनका नंबर लिखना होता है जो भी फिगर्स में होता है जैसे कि फिफ्टी थ्री तो कैसे लिखेंगे फाइव थ्री फिफ्टी थ्री नेक्स्ट सेवेंटी सिक्स सेवन सिक्स सेवेंटी सिक्स नाइन्टी वन नाइन वन नाइन्टी वन वन हंड्रेड वन डबल ज़ीरो वन हंड्रेड फोटी नाइन फोर नाइन फोटी नाइन एटीन वन एट एटीन तो इस तरह से आप बच्चों को फिगर्स की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं द द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट करेक्ट टाइम तो बच्चों को क्लास वन में टाइम के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है बच्चों को शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो जैसे कि फर्स्ट जो क्लॉक हमें दे रखी है तो यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है टू पर एंड लॉन्ग हैंड कहां पर है ट्वेल्व पे तो शॉर्ट हैंड क्या शो करती है शॉर्ट हैंड शो करती है आवर और लॉन्ग हैंड क्या शो करती है मिनट तो कितना हो रहा है यहाँ पर टू ओ क्लॉक इस तरह से बच्चों को फिल करना है सेम इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे आ, जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर है नाइन पर है और जो लॉन्ग हैंड वो कहां है वो कहाँ है ट्वेल्व तो यहाँ पर कितना हो रहा है नाइन ओ क्लॉक नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट हैंड एट पे है और लॉन्ग हैंड कहाँ पर है ट्वेल्व पे तो यहाँ पर हो रहा है एट ओ क्लॉक नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शॉर्ट हैंड फोर पर है लॉन्ग हैंड कहाँ पर है ट्वेल्थ पे। तो यहाँ पर हो रहा है फोर ओ क्लॉक तो इस तरह से आप बच्चों को टाइम के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको हम लॉन्ग हैंड बोलते हैं ये आवर शो करती है और ये मिनट शो करती है इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द पैटर्न्स तो बच्चों को इस तरह से कुछ पैटर्न्स दिए जाते हैं और इन पैटर्न्स को बच्चों को आइडेंटिफाई करना होता है नेक्स्ट पैटर्न जो भी होता है वो फिल करना होता है तो यहाँ पर दिया है रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल रेक्टेंगल के बाद हमें क्या दिया गया है स्क्वायर तो हमें यहाँ पर स्क्वायर फिल करना है इस तरह से नेक्स्ट दिया है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व तो बच्चों को यहाँ पर स्किप काउंटिंग देखनी है जो भी नंबर आता है वो यहाँ पर फिल कर देना है तो यहाँ पर कितने का स्किप हो रहा है थ्री का स्किप हो रहा है तो मीन्स हमें ट्वेल्व में थ्री ऐड करना है कितना आ जाएगा फिफ्टीन फिफ्टीन में थ्री ऐड करेंगे तो आ जाएगा एटीन इस तरह से नेक्स्ट यह है ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल तो नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा हमारा यहाँ पर सर्कल तो इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे नेक्स्ट है सेवन टेन थर्टीन सिक्सटीन तो अगेन यहाँ पर हमें थ्री का ही स्किप दिख रहा है तो थ्री का स्किप दिख रहा है तो आगे नंबर कौन सा आएगा हमारा नाइनटीन देन 19 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22. नेक्स्ट देखेंगे स्टार दो पैरल लाइंस दी हैं फिर स्टार फिर दो लाइंस दी हैं फिर स्टार फिर लाइंस फिर स्टार तो हमें क्या ड्रा करना है यहाँ पर दो लाइंस को ड्रॉ कर देंगे तो इस तरह से बच्चों को आप पैटर्न्स की भी प्रैक्टिस ज़रूर कराएं क्यों क्लास वन में पैटर्न्स की प्रैक्टिस कराई जाती है और इस टाइप की क्वेश्चंस भी आते हैं नगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच टाइप इन द गि पिक्चर ग्राफ एंड फिल इन द्लैग्स तो बच्चों को ये पिक्चर ग्राफ दिया गया है क्लास में बच्चों को पिक्चर ग्राफ से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है पिक्चर ग्राफ्स क्या होते हैं बच्चों को बता दिया जाता है तो इस तरह से कुछ बच्चों को पिक्चर ग्राफ दिया जाता है और कुछ क्वेश्चन होते हैं इनसे रिलेटेड वो पूछे जाते हैं तो यहाँ पर पिक्चर ग्राफ में कुछ स्पूंस दिख रही हैं कुछ कप्स कुछ ग्लासेस और कुछ बोल्स दिख रहे हैं तो इनसे रिलेटेड बच्चों से ये कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं कंप्लीट करने हैं जैसे कि फर्स्ट है देयर आर डैश क्लासेस हाउ मैनी क्लासेस वन टू थ्री फोर देर आर फोर क्लासेस तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोर नेक्स्ट देखेंगे देयर आर डैश कप्स हाउ मैनी कप्स बच्चे कप्स को काउंट करेंगे जो भी नंबर आता है वो यहाँ पर फिल करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कप्स नेक्स्ट है देयर आर डैश स्पूंस कितनी स्पूंस है यहाँ पर टू स्पून से वन टू तो यहाँ पर हमें टू फिल करना है नेक्स्ट है देयर आर डैश बॉल्स हाउ मैनी बॉल्स आर देयर वन टू थ्री देर आर थ्री बॉल्स तो यहाँ पर हमें थ्री फिल करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश ऑब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर मीन्स होता है हमें क्या करना है एड करना है जब भी लिखा हो ऑल टुगेदर तो हमें क्या करना है एड करना है तो यहाँ पर पूछ रहे देयर आर डैश ऑब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर अब वो ये पूछ रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स कितने हैं तो बच्चों को सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर काउंट करने हैं और जो भी नंबर आता है वो यहाँ पर फिल कर देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इस तरह से सारे कितने हुए फोर्टीन यहाँ पर हम फोर्टीन फिल कर देंगे नेक्स्ट है देयर आर डैश स्पूं लेस देन द नंबर ऑफ क्लासेस तो ये पूछ रहे हैं देयर आर डैश स्पूंस लेस देन द नंबर ऑफ ग्लासेस कितनी स्पूंस कम है ग्लासेस से तो यहाँ पर हमें ग्लासेस कितने दिए हैं वन टू थ्री फोर कितने दिए हैं फोर यहाँ पर हम लिख लेंगे फोर और स्पूंस कितनी दी गई हमें टू तो यहाँ पर लिख लेंगे हम टू माइनस कर देंगे कितना आएगा टू तो कितनी कम है टू यहाँ पर हम लिख देंगे टू देयर आर टू स्पूंस लेस देन द नंबर ऑफ ग्लासेस नेक्स्ट है देयर आर डैस बोल्स मोर देन द नंबर ऑफ स्पूस तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कितने बोल्स ज़्यादा हैं मोर मीन्स होता है ज़्यादा देन द नंबर ऑफ स्पूं स्पून से तो so, यहाँ पर बोल्स कितने हैं वन टू थ्री तो यहाँ पर हम थ्री लिख लेंगे नेक्स्ट हमें स्पूंस कितनी दे रखी हैं टू तो हम माइनस टू कर देंगे कितना आ जाएगा थ्री माइनस टू वन तो यहाँ पर हमें फिल करना है वन तो इस तरह से बच्चों को पिक्चर ग्राफ दिया जाता है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके आंसर बच्चों को इस तरह से फिल करने होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एज सॉल्व द फॉलोइंग तो यहाँ पर बच्चों को एडिशन एंड सब्रेक्शन मिक्स करके दिए गए हैं बच्चों को साइन आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर फिल करना है जैसे कि ये साइन कौन सा होता है एडिशन का मीन्स हमें क्या करना है ऐड करना है तो फाइव में थ्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा कैसे ऐड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड वन टू थ्री सारे काउंट कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्या आया एट नेक्स्ट है एट में फ़ोर ऐड करना है तो बच्चों को यहाँ पर हम कैरी वाले जो सम्स uh, होते हैं वो भी क्लास वन में सिखाते हैं तो एट में फ़ोर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व कितना हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व का टू लिखेंगे कैरी दे, दे देंगे वन सेवन में वन ऐड करेंगे कितना हो जाएगा एट अब हमें एट में थ्री ऐड करना है एट में थ्री ऐड करेंगे कितना हो जाएगा नाइन टेन इलेवन तो यहाँ पर हमें लिखना है इलेवन तो इस तरह से हम बच्चों को कैरी वाले सम्स हैं वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराते हैं सेम इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमें जो सम दिया गया है उसमें हमें क्या करना है सप्ट्रैक्शन करना है क्योंकि ये साइन किसका है सप्ट्रेक्शन का है तो हम यहाँ पर हमें सप्रैक्शन करना है नाइन माइनस थ्री तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन माइनस कितना करना है हमें थ्री तो हम थ्री लाइंस को कट कर देंगे वन टू थ्री कितना बच्चा हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पर हमें सिक्स फिल करना है नेक्स्ट देखेंगे एट माइनस फोर तो एट माइनस फोर हम कैसे करेंगे यहाँ पर हम एट लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे और इसमें से हम फोर माइनस कर देंगे वन टू थ्री फोर कितना बच्चा हमारे पास वन टू थ्री फोर नेक्स्ट है एट माइनस फाइव सेम इसी तरह से हम इसको भी करेंगे एट माइनस फाइव होता है थ्री तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्री सेम इसी मेथड से हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग तो इस तरह से हम मैचिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं बच्चों को जैसे कि फोर प्लस फोर प्लस फोर ये रिपीटेड एडिशन है इसमें हम कैसे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन uh, में कैसे लिखना सिखाएंगे जैसे कि फोर प्लस फोर प्लस फोर है तो इसको यहाँ पर हम किससे मैच करेंगे फोर मल्टीप्लाई थ्री नेक्स्ट है थ्री टेंस एंड फोर वंस मिक्स थर्टी फोर सिक्सटी फाइव प्लस थर्टी सिक्सटी फाइव प्लस थर्टी कितना होगा नाइन्टी फाइव इसको हमें कैसे ऐड करना होता है पहले हम वंस प्लेस को ऐड करेंगे तो फाइव में जीरो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फाइव नेक्स्ट हम टेंस प्लेस को ऐड करेंगे तो सिक्स में थ्री एड करेंगे तो हो जाएगा नाइन तो इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं नेक्स्ट है सिक्सटी एट तो सिक्सटी एट कैसे लिखेंगे नंबर्स में सिक्स एट सिक्सटी एट थर्टी सेवन थर्टी सेवन को नंबर्स में कैसे लिखेंगे थ्री सेवन थर्टी सेवन एंड नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन को हम ऐसे लिखेंगे स्पेलिंग्स में तो इस तरह से भी आप मिक्स एंड मैच करके बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बच्चों को यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ स्मॉल टू बिग तो यहाँ पर बच्चों को देखना है जो भी नंबर स्मॉलेस्ट है सबसे पहले उसको फिल करना है देन उसके अकॉर्डिंग हमें फॉरवर्ड जाते जाना है जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा यहाँ पर एलेवन तो हम इलेवन फिल करेंगे अब इलेवन के आगे क्या आता है ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन तो हमें फिफ्टीन दे रखा है तो हम फिफ्टीन फिल कर लेंगे देन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन आएगा सेवेंटीन के बाद एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी दे रखा है तो ट्वेंटी को फिल कर लेंगे इसके बाद ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर भी दे रखा है तो फिर हम ट्वेंटी फोर फिल करेंगे तो इस तरह से बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज करने होते हैं सेम इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे नेक्स्ट देखेंगे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बिग नंबर टू स्मॉल नंबर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना कैसे कि अब यहाँ पर हम बिग नंबर देखेंगे कौन सा है ये सारे नंबर्स दे रखे हैं तो इसमें सबसे लास्ट में जो नंबर आता है इन सारे नंबर्स में वो हमारा क्या हो गया बिग नंबर तो टेन पहले आता है टेन के बाद ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन देन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन देन ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन सबसे लास्ट में आया ना तो हम ट्वेंटी वन को सबसे पहले लिखेंगे ये सबसे बड़ा नंबर है अब ट्वेंटी वन के बैकवर्ड जाएंगे ट्वेंटी नाइनटीन नाइनटीन आ गया नाइनटीन लिख लेंगे देन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन सिक्सटीन हमें दे रखा है तो हम सिक्सटीन लिख लेंगे सिक्सटीन से पहले क्या आता है फिफ्टीन तो फिफ्टीन भी दिया है हमें तो फिफ्टीन लिख लेंगे अब फिफ्टीन के बैकवर्ड जाएंगे फोर्टीन थर्टीन ट्वेल्व एलेवन टेन तो हमें यहाँ पर टेन फिल करना है सेम इसी मेथड से हम इसको भी कर लेंगे तो इस तरह से बच्चों को आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द ब्लैंक्स तो यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं ये कंप्लीट करने हैं, बच्चों को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स कंप्लीट करना है जैसे कि संडे कम्स बिटवीन डैश एंड डैश, तो संडे किसके बीच में आता है सैटरडे एंड मंडे एम ओ एन डी ए वाई मंडे नेक्स्ट फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज तो फिफ्थ डे कौन सा होता है फ्राइडे नेक्स्ट डैश कम्स आफ्टर जनवरी व्हाट कम्स आफ्टर जनवरी फेबररी नेक्स्ट इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल. एंड नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज सेवन डेज तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को जरूर कराएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टोटल मनी तो बच्चों को मनी का कॉन्सेप्ट भी क्लास वन में करा दिया जाता है तो मनी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बच्चों को ज़रूर आते हैं तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं तो यहाँ पर कुछ पैसे दिए गए हैं फिफ्टी पैसे प्लस ट्वेंटी पैसे प्लस टेन पैसे इन सभी को ऐड करके बच्चों को यहाँ पर फिल करना है जो भी आंसर आता है तो फिफ्टी में ट्वेंटी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सेवेंटी एंड सेवेंटी में टेन ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा एट्टी तो कितना आया एट्टी पैसे नेक्स्ट है ट्वेंटी पैसे टेन पैसे एंड थ्री पैसे तो ट्वेंटी में टेन ऐड करेंगे कितना आएगा थर्टी थर्टी में थ्री ऐड करेंगे थर्टी थ्री थर्टी थ्री पैसे तो इस तरह से बच्चों को मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है यहाँ पर आप बच्चों को जो नोट्स हैं वो भी बनाकर दे सकते हैं इमेजेस उनकी पेस्ट करके दे सकते हैं और मैच करने के लिए बोल सकते हैं आइडेंटिफाई करवा सकते हैं पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल तो बच्चों को यहाँ पर करेक्ट साइंस पुट करने हैं जैसे कि फर्स्ट दिया है थर्टी एट ब्लैंक थर्टी एट तो यहाँ पर हमें कौन सा साइन पुट करना है थर्टी एट इक्वल्स टू थर्टी एट दोनों बराबर होते हैं ना तो हम इक्वल का साइन पुट करेंगे नेक्स्ट है फोर्टी सेवन डैश थर्टी सेवन तो यहाँ पर हम कौन सा साइन पुट करेंगे फोर्टी सेवन इज ग्रेटर देन थर्टी सेवन नेक्स्ट है ट्वेंटी थ्री डैश ट्वेंटी सिक्स तो यहाँ पर हमें साइन किस तरफ को लगाना है ट्वेंटी थ्री इज़ लेस देन ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ब्लैंक्स तो यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं बच्चों को ये कंप्लीट करने हैं तो फर्स्ट यह है नाइन मल्टीप्लाई सेवन नाइन सेवन जहाँ सिक्सटी थ्री नेक्स्ट है टेन प्लस थर्टी तो टेन में अगर हम थर्टी ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टी नेक्स्ट नाइन टेंस प्लस सिक्स वंस नाइन टेंस और प्लस सिक्स वंस कितना होगा नाइन्टी सिक्स एंड दिस वन डैश फाइव रुपी कॉइंस आर इक्वल टू फिफ्टीन रुपीज हाउ मैनी फाइव रुपी कॉइंस आर इक्वल्स टू फिफ्टीन रुपीज़ तो हमें यहाँ पर कितना लिखना है थ्री कॉइंस थ्री कॉइंस ऑफ फाइव रुपीज आर इक्वल टू फिफ्टीन रुपीज़ तो ये थी आज की वर्कशीट आज की वर्कशीट आपको कैसी लगी आई होप इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली जो भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बच्चों के क्लास वन की प्ले आप जरूर चेक बच्चों के एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है तो वर्कशीट्स को आप अच्छे से देखिए बच्चों के अच्छे से एनुअल एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कराएँ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो बाय बाय एंड टेक केयर